जोहार, मैं सुमी हासदा रूसिका टीवी चैनल से। आज हमारे बीच जो शख्स आए हुए हैं वो एक ऑथर, पब्लिक स्पीकर हैं और उनकी पहुंच जो आदिवासी की आवाज़ है उन्होंने झारखंड, बंगाल नहीं, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक भी पहुँचाया है। तो आइए आज हम लोग मिलते हैं ग्लैडसन डुंगडुंग जी से। ग्लैडसन जी जोहार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपकी जो नई बुक आई हुई है मिशन सरांडा, उसके बारे में कुछ बताइए। मिशन सरांडा जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला है उसमें एक सरांडा जंगल है जो 860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो जंगल है उसमें देश का 25% आयरन ओर है और उस आयरन ओर से स्टील बनता है। और हम लोग जो जमशेदपुर में बैठे हुए हैं, देश में पहला जो विकास का मॉडल या विकास औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई वो सरांडा जंगल की वजह से ही हुई है। जब टाटा घराना को पता चला कि सरांडा में आयरन ओर है तब उन्होंने बॉम्बे में कंपनी रजिस्टर्ड किया और जमशेदपुर में 24 आदिवासियों का गांव को कब्जा किया और यहाँ पे प्लांट बैठाया। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि जब पूरा देश में कहा जाता है विकास का मतलब है कि जहाँ पर उद्योग लगेगा तो पूरा मतलब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लोगों की जीवन स्तर बदल जाएगी, तो अगर ये अगर सही होता तो सरांडा के आदिवासियों की जो आज हालत है वो नहीं होती। आज आप देखिए वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बच्चे बिना कपड़े के हैं, उनको खाने के लिए ठीक सुविधा नहीं है। तो कहने का मतलब भी पूरा किस तरह से विकास के नाम पर आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है सरांडा जंगल में, उसको लेके ये पूरा किताब है। वहाँ किस तरह से देश के कंपनी जो हैं, सरकार हैं, उनको 3,000 करोड़ रुपया हर साल मिल रहा है जो काउंटेड मनी है। अनकाउंटेड मनी तो मतलब उसको आप कह ही नहीं सकते हैं कितना पैसा। बावजूद उसके जो बाहर से गए हैं वहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं उनको सारा फायदा मिल रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं जिनको वहाँ पे अधिकार मिलना चाहिए उनको कुछ नहीं मिला। वहाँ पे अब वन अधिकार कानून आया है, वन अधिकार कानून के तहत वहाँ जो आदिवासी हैं उनको अधिकार मिल जाना था, जंगल पर अधिकार मिलना था, ज़मीन पर अधिकार मिलना था, वो मिल नहीं रहा। लेकिन झारखंड सरकार जो है कि 22 नए माइनिंग कंपनी को माइनिंग लीज दिए हुए, तो इससे क्या हो रहा है, पूरा ना सिर्फ आदिवासियों पर खतरा है, ना सिर्फ सरांडा जंगल पर खतरा है, लेकिन पूरे जो है कि झारखंड पर खतरा है। इकोलॉजिकल दृष्टि से भी आप देखेंगे, क्योंकि झारखंड में अगर एनवायरनमेंट को आपको मेंटेन करना है तो 33% जंगल चाहिए, झारखंड में सिर्फ 29% जंगल है। फिर भी जो है कि विकास के नाम से जो है जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, सारा कुछ बर्बाद हो रहा है। तो ये पूरा जो है कि मिशन सरांडा जो पुस्तक है, एक तो डेवलपमेंट को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, जो जिसको आप विकास कर रहे हैं वो सही में विकास नहीं है। आज विकास की परिभाषा क्या है, जंगल कंपनी को दे दो, नदी कंपनी को दे दो, ज़मीन कंपनी को दे दो, ये विकास है। क्या मतलब है विकास का, मतलब है कि हर एक व्यक्ति है उसका चेहरा पर खुशी होना चाहिए। तो आप कुछ उद्योगपतियों के चेहरा पर खुशी लाते हैं और बहुसंख्यक का आंख में आंसू ला रहे हैं, तो ये देश में किस तरह का विकास चल रहा है। तो पूरा देश का डेवलपमेंट थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं इस किताब के द्वारा। उसके साथ साथ नक्सलवाद, अब देखेंगे तो नक्सली लोग भी कहते हैं कि हम लोग आदिवासियों के साथ लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरांडा जंगल का हकीकत यह बताता है कि नक्सलवाद आज की तारीख में ऐसे दिखता है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बन गई है जो माइनिंग कंपनियों से पैसा लेते हैं और उनको सुरक्षा देते हैं और अंत में आदिवासियों को ही बोलते हैं आप पुलिस का आप इन्फॉर्मर हैं, ये हैं बोल के उनकी हत्या कर रहे हैं। मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि आप देखिए सरांडा जंगल जहाँ पर सरकार कहती है कि हम वहाँ विकास कार्य नहीं कर सकते, अभी से 2010 तक तो सरकार यही कहती थी कि हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, हमारा आंगनबाड़ी वर्कर नहीं जा सकता है, टीचर नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता वहाँ। तो एक तरफ सरकार कहती है हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर माइनिंग कंपनी इतने सारे माइनिंग खदान कैसे चला रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर अंदर माओवादी और माइनिंग कंपनी मिलजुल के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि ये जो माओवादी है देश का सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा है। तो जब देश का सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा है और उस खतरे को मतलब माओवादियों को माइनिंग कंपनी ना सिर्फ पैसा दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं और बाकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं, सरकार को भी पता है, हमने किताब में पूरा उनके लिस्ट छाप दिया है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? माइनिंग कंपनी जब पैसा दे रहे हैं माओवादियों को, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई आदिवासी जंगल में खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, तो आप उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ आज DGP साहब के यहाँ अगर 10 बंदूकधारी चले जाएंगे तो DGP भी उनको जो है कि मटन खिलाएंगे,
लेकिन ये स्टेट का सिलेक्टिव एक्शन है ना, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम है। ये पूरा बुक में डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, रीडर को इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मैंने इस किताब के द्वारा दुनिया को बहुत सच चीज़ बताने की कोशिश की है, और ये एक माइलस्टोन है आज की तारीख। सर, आपने जो मिशन सरांडा के बारे में अभी डिस्क्राइब किया, आपने बहुत कुछ बताया है, तो आपको इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैं अभी लगातार पिछले लगभग 20 साल से मतलब ये संघर्ष में हूँ। संघर्ष में कहने का मतलब आदिवासियों का अधिकार और दूसरे लोगों का भी जो ज़मीन का हक है, तो अधिकार के मसले पर लगभग 20 साल का संघर्ष हो गया। लेकिन अगर बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो मेरा जो व्यक्तिगत जीवन काफ़ी मतलब संघर्ष कर रहा है इन द सेंस, अब देखेंगे मेरा परिवार जो था, जब मेरे दादू थे उस समय में एक हम ऐसे परिवार से आते थे जो एक समृद्ध परिवार था। मेरे दादू उस समय के टीचर थे, वो अपने ज़माने के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे, हस्ती थे। फिर मेरे पिताजी खुद भी सोशल वर्कर थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, सिमडेगा में जहाँ हमारा पैतृक ज़मीन था, खेती का ज़मीन, वहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एक डैम बना। छिंदा नदी एक नदी हुआ करता था जिसमें किलाघाट डैम बनाया गया, आज भी डैम है। उसको बनाया गया और कहा गया कि बाकी जो गांव है वहाँ पे हम इरिगेशन पटवन करेंगे ताकि लोगों का जो है कि खेती दो फसल तीन फसल होगा। जब ये डैम बना तो हमारा सारा खेती का ज़मीन डूब गया। डूबने के बाद कॉम्पनसेशन बहुत थोड़ा बहुत मिला, सरकार ने कॉम्पनसेशन आज तक नहीं दिया, अभी भी अटका हुआ है। उसके बाद हमारा ज़मीन चले जाने के बाद फिर मेरे पिताजी लोग, दो भाई थे, ये बंट गया फैमिली। बड़े पिताजी को मेरे दादाजी की जगह पे नौकरी मिली। मेरा पिताजी क्योंकि ज़मीन काफ़ी था तो बड़ा पिताजी ने कहा कि तुम खेती करो, हम नौकरी करते हैं, तो मेरा पिताजी नौकरी भी छोड़ दिए थे। तो इसकी वजह से हमारा परिवार बहुत बुरी स्थिति में आ गया, और बुरी स्थिति में आ गया। फिर इसी बीच मेरे पिताजी लगातार जो है कि उसके बावजूद सामाजिक काम करते रहते थे। वो हमको बोलते भी थे कि हम कोई भी सिचुएशन में रहें, कितना भी हमारे पास जो है कि संकट हो, लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, दूसरों को न्याय मिले, दूसरों के लिए कुछ मदद करें, काम करना चाहिए। तो वो लगातार वो करते रहते। तो हमारी स्थिति बहुत गरीबी की स्थिति हो गई, खाने के भी लिए मुश्किल पड़ गया था। ऐसे से भी समय आया जब मेरे पिताजी को लकड़ी मतलब बेचना पड़ता था, हर दिन लकड़ी लेके जाते थे साइकिल से, फिर चावल लेके आते थे, ऐसे सिचुएशन था। लेकिन लगातार वो काम करते थे दूसरों के लिए। उसी बीच एक ज़मीन का झगड़ा हुआ गांव में ही, तो मेरे पिताजी कानून वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने उस ज़मीन का झगड़ा को लिया और कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में ले जाने के बाद वो जीत गए। तो जीत जाने के बाद दूसरा पक्ष जो हार गया वो मेरे पिताजी से लड़ाई शुरू कर दिया। वो जिनके साथ लड़ाई थे उनके साथ नहीं किया, इनके साथ किया। और अंत में क्या हुआ कि 1990 में जब मैं सिर्फ 12 साल का था, उस समय में माँ पिताजी दोनों की उन्होंने हत्या कर दी। वो जो पार्टी हार गया ज़मीन का केस, वो लोग हायर किए गुंडा और दोनों को मार दिया। अब वहाँ से मेरा संघर्ष जो है कि बहुत मुश्किल दौर में चला गया, और मुश्किल दौर में इन द सेंस कि मुझे अपना पढ़ाई लिखाई के लिए भी जो है कि खुद से कभी इंदिरा, उस समय में जवाहरलाल रोजगार योजना हुआ करता था, सड़क बनाना वगैरह वगैरह, ऐसे मुझे काम करना पड़ता था। कभी महुआ चुनने गए, कभी लाख काटने गए जंगल से, उसको बेचो, फिर जो है कि पढ़ाई का खर्च दो, अपना ड्रेस है, अपना कॉपी किताब है, सारा कुछ। क्योंकि माँ बाप का हत्या होने के बाद हम लोग को पूरा गाँव छोड़ देना पड़ा था, फिर वापस आके फिर वहीं पर जिन लोगों ने हत्या की उनके साथ मुझे रहना पड़ा। 3 साल का जद्दोजहद रहा मेरे माँ बाप के मारे जाने के बाद। उसके बाद मैं मैट्रिक पास कर लिया था। मैट्रिक पास करने के बाद मेरे पास समस्या आ गया कि अब हम एडमिशन कैसे करें, और उस समय में मुझे 250 रुपये का ज़रूरत था। तो मैंने अपने बड़े पिताजी से कहा, क्योंकि वो टीचर थे, कि आप 250 रुपये दे दीजिए ताकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन वो मेरे पिताजी के साथ उनका दुश्मनी हो गया था, और उनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है मेरे माँ बाप की हत्या में। तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो है कि नहीं दे सकते हैं। तब हम क्या करें, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। फिर मुझे 2 साल के लिए कॉलेज एडमिशन ही नहीं हुआ, ऐसे 2 साल चला गया। फिर मैं
पटना चला गया। पटना में मेरी दीदी एक एनजीओ में काम करती थी, लेकिन उसको बहुत पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ 900 रुपया कमाती थी और 900 रुपया में दोनों का पटना में रहना बहुत मुश्किल था। फिर मैं एक भूमि अधिकार आंदोलन चल रहा था पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जुड़ गया और उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में मैंने शुरू किया उनका चाय वाय बना के खिलाना, घर ऑफिस का साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगाना, यहाँ तक उनका लेट्रिन टॉयलेट वगैरह साफ करना, ये सारे चीज़ मैं करता था। फिर उनका लाइब्रेरी का देखभाल इस तरह से। फिर शुरू में मुझे 500 रुपया मिलने लगा, तो वो 500 रुपया मिला तब फिर मैंने टाइप स्कूल ज्वाइन किया, टाइप राइटिंग हिंदी इंग्लिश में करना शुरू किया। उसी बीच फिर मैंने इंग्लिश का कुछ कोचिंग भी किया, मैं अपना पढ़ाई भी जारी रखा पढ़ाई करते करते। उसके बाद उसी बीच भूमि अधिकार आंदोलन करते करते पीपुल्स वार ग्रुप, एक नक्सली संगठन हुआ करता था बिहार में, पीपुल्स वार ग्रुप के कुछ लोगों ने एक गांव में मैं बहुत बड़ा मीटिंग किया था, तो उनको अचानक लगा ये आपका आरा ज़िला में, आरा ज़िला उधर एकदम उद्वंत नगर एक जगह है, वहाँ पर लोगों को लगा कि ये लड़का इतना बड़ा मीटिंग कैसे कर लिया गांव में। तो ये पीपुल्स वार ग्रुप वालों ने मुझे पकड़ लिया और एक घर में बंद कर दिया, तो मुझे लगा कि ये लोग मार देंगे क्या करेंगे। लेकिन फिर मैं उन लोगों के साथ बात किया कि देख मैं जो है कि लोगों के अधिकार को लेकर काम करता हूँ, मुझे किसी कोई नक्सली ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। तो उनको लगा कि हाँ ये इसका हम लोग से कोई ख़तरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप फिर बाद में भी इस गाँव में आइए, मीटिंग कीजिए, काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। फिर इसी बीच एक राष्ट्रीय स्तर का सिलेक्शन हुआ एडवोकेसी के लिए पूना से, उसमें काफ़ी लोग पूरे देश से आए थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए थे जो ग्रेजुएशन कर चुके थे, और मैं भी उसमें से था। और इसमें सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन, उसमें मेरा एक सिलेक्शन हो गया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि इतने पूरे राष्ट्रीय लेवल का जो कॉम्पिटिशन है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जबकि मैं कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज कभी मैं गया नहीं, सिर्फ मैं खुद पढ़ता था, परीक्षा लिखने जाता था, ग्रेजुएशन तक यही हुआ। पहला ये था पूना में जब मैं रेगुलर क्लास के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला।